इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों के बीच एक रहस्य छिपा है। स्टोनहेंज। आज जहां पर्यटक घूमते हैं, वहीं सदियों पहले इसी जगह पर एक अलग ही कहानी लिखी गई थी। विशाल पत्थर मानो किसी दैवीय शक्ति ने यहां उठाकर एक घेरे में रख दिए हों। ये पत्थर कैसे आए, किसने इन्हें तराशा और क्यों, ये सवाल आज भी हमें उलझाते हैं। स्टोनहेंज बस पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक अनसुलझी पहेली है जो हमें अपने अतीत के गहरे रहस्यों में झांकने का मौका देती है। ये रहस्यमय कहानी शुरू होती है साल 1964 में, जब ब्रिटिश खगोल शास्त्री गेराल्ड एस हॉकिंस ने एक साहसिक दावा किया था। उन्होंने कहा था कि स्टोनहेंज वो प्राचीन पत्थरों का ढेर सिर्फ एक रहस्यमय स्मारक नहीं, बल्कि एक प्राचीन खगोलीय कंप्यूटर था। ये रहस्य उद्घाटन उन्होंने अपनी किताब स्टोनहेंज ए नियोलिथिक कंप्यूटर में किया, जो प्रतिष्ठित ब्रिटिश पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुआ। एक साल बाद 1965 में हॉकिंस ने अपनी और भी चर्चित किताब स्टोनहेंज डिकोडेड प्रकाशित की। क्या स्टोनहेंज वाकई एक प्राचीन कंप्यूटर था? हॉकिंस के दावों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को एक नई पहेली दी, जिसका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है। इस रहस्यमय खोज ने इतिहास की किताब के पन्नों को हिलाकर रख दिया है। पुरातत्वविद हॉकिंस के एक साहसिक दावे ने मान्यताओं को चुनौती दी है। एक विशाल पाषाण स्थल, जिसे सदियों से राजाओं का बनवाया एक साधारण गोलाकार मंदिर माना जाता था, क्या सच में एक मंदिर था? हॉकिंस के अनुसार यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि आकाश की गहराइयों को भेदने वाला एक अत्याधुनिक कंप्यूटर था। तो क्या हमारे पूर्वज हमारी कल्पना से कहीं अधिक ज्ञानी थे? क्या यह खोज इतिहास की धारा को ही बदल सकती है? ऐसे कई सवाल हैं और जवाब शायद इन्हीं पत्थरों में छुपा है, जो सदियों से खामोश गवाह बने खड़े हैं। हॉकिंस का मानना था कि स्टोनहेंज के निर्माता गणित और खगोल विज्ञान के ज्ञानी थे। उन्होंने इस ढांचे को इस तरह से बनाया कि वो न सिर्फ समय का हिसाब रख सके, बल्कि ग्रहण और अन्य खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी भी कर सके। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि क्यों इतनी मेहनत, इतनी लगन से स्टोनहेंज को बनाया गया था? क्या यह सिर्फ एक कैलेंडर था, या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था? स्टोनहेंज में 56 रहस्यमयी छेद हैं, जिन्हें आबरे होल कहा जाता है। एक सिद्धांत कहता है कि ये छेद एक प्राचीन गणना यंत्र का हिस्सा थे, जिससे हमारे पूर्वज चंद्रमा की चाल और ग्रहणों की भविष्यवाणी करते थे। तो क्या स्टोनहेंज एक पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि एक प्राचीन वेदशाला भी था? लेकिन रहस्य यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि कुछ ग्रहण स्टोनहेंज से दिखाई नहीं देते। तो फिर इनका स्टोनहेंज से क्या संबंध था? क्या ये छेद और चक्र किसी और रहस्य की ओर इशारा करते हैं, जो अभी तक अनसुलझा है?